आज जानेंगे धन त्रयोदशी के बारे में। कृष्ण पक्ष यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। 24 अवतार जो भगवान नारायण के हुए हैं, उन्हीं में से एक अवतार धन्वंतरी का है। और आज ही के दिन भगवान कुबेर को धन का अधिपति बनाया गया है। इसलिए ये दोनों रूप से महत्वपूर्ण हैं। आज के दिन लक्ष्मी गणेश की भी पूजा होती है, किंतु प्रमुखता से धन्वंतरी और कुबेर भगवान की होती है। यानी शरीर का और धन का आपस में संबंध है। आपके पास धन है किंतु शरीर ठीक नहीं है, तो क्या आप धन को भोग सकते हैं, कोई सुख संपत्ति का आनंद ले सकते हैं? नहीं। इन दोनों का ही आवश्यक है जीवन में होना, तभी जीवन वास्तविकता में जीवन है। इसलिए कहा, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर होगा तभी आप धर्म कमा लेंगे और तभी आप धन कमाएंगे और धन का और धर्म का आनंद भी ले सकते हैं। इसीलिए धन्वंतरी शरीर के देवता यानी उनके आरोग्य प्रदान करने वाले देवता हैं। कहा जाता है ये देवताओं के वैद्य है, पर देवताओं को तो लंबी आयु प्राप्त है, उन्हें कभी कोई बीमारी भी नहीं होती, तो क्यों आवश्यकता है धन्वंतरी की? साधारण सी बात है, धन्वंतरी का अवतार हम मनुष्यों के लिए हुआ है। यानी भोगों में अत्यधिक भोग करने के कारण हमारा शरीर रुग्ण यानी रोगी हो जाता है, तो ये धन्वंतरी जी हमें आरोग्य प्रदान करते हैं शरीर को। उसी तरह से धन के अधिपति हैं कुबेर भगवान। इसलिए इस धनतेरस पर हमें प्रदोष काल में यानी सांझ का समय आए तब यम के नाम का दीपक जलाना चाहिए और उसे घर के देहरी के बाहर रखना चाहिए, इस भावना से कि हे यम देवता, हे काल, हे मृत्यु, हे पाश, हे लक्ष्मी मैया, हम पर प्रसन्न हो। धनतेरस के दिन प्रदोष काल सांझ के समय यम का दीपक निकालता है, उसके परिवार में अपमृत्यु कभी नहीं होती। देखिए, अकाल मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है। अकाल मृत्यु कुछ नहीं होता, ये तो हमने शब्द ले लिया है। अपमृत्यु होता है, अपमृत्यु माने जिसका जीवन है उससे पहले उसका जीवन छिन जाना। तो ये कब होता है? जब अत्यधिक पाप आ जाते हैं प्रारब्धवश, या आपने कोई ऐसा भारी अपराध कर दिया है जिसका दंड मृत्यु दंड है। ऐसे में उस जीवन की अवधि 80 वर्ष की या 100 वर्ष की हो, उससे पहले ही जीवन समाप्त हो जाना, उसको अपमृत्यु कहते हैं। अपमृत्यु में व्यक्ति के जीवन का निर्धारण जितना था उतना तो उसको भटकना पड़ता है। इसलिए अपमृत्यु का भी कहा गया कि कैसे पहचाने। अपमृत्यु का होता है कि बिजली के गिरने से, विद्युत से जिसकी मृत्यु हो जाए, या फिर सर्प के दंशन से, अग्नि से, इस प्रकार से अपमृत्यु कहलाती है। तो ये इस प्रकार के अपमृत्यु परिवार में कभी ना हो, इसलिए हमें यम का दीपक धनतेरस के दिन, यम देव का, यमराज का वरदान है जो धनतेरस के दिन प्रदोष काल में दीपक जलाता है, उन पर कभी अपमृत्यु का संकट नहीं आता। तो धनतेरस के दिन हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हो? अगर हो सके तो इस दिन कुबेर यंत्र या फिर श्री यंत्र घर में लाना चाहिए। आपके पास अगर है पैसा सामर्थ्य तो आप अवश्य बाजार से जाकर कुबेर यंत्र या फिर श्री यंत्र खरीद कर लेकर आए। नहीं तो आज टेक्नोलॉजी है, आप इंटरनेट के माध्यम से कोई फोटो डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उसी को फिर आप धनतेरस वाले दिन अवश्य पूजा में रखें। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है। हम धनतेरस पर क्या क्या खरीदें? हमें धनतेरस पर झाड़ू अवश्य लेकर आना चाहिए, यानी धनतेरस पर 2 झाड़ू लेकर आए। धनतेरस पर आपको 13 कौड़ी और 11 गोमती चक्र खरीदने चाहिए। आपको धनतेरस वाले दिन कुछ अच्छी धातु यानी स्वर्ण का, अगर आपने को भगवान ने सामर्थ्य दिए तो सोना चांदी खरीदें, और अगर वो नहीं है तो कोई स्टील का बर्तन खरीदें, तांबे का कलश खरीद लें, जो भी एक चीज अवश्य धनतेरस वाले दिन खरीदनी ही चाहिए। आप उस दिन कुछ मीठा भी खरीद कर लेकर आए, आप गुड़ खरीद कर लेकर आ सकते हैं, साथ में आप नमक भी खरीद कर लेकर आए। ये कुछ चीजें हैं जिनसे हमारे घर के नकारात्मक भाव या ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। धनतेरस वाले दिन पूजा की थाली में हल्दी अवश्य रखिएगा, क्योंकि दिवाली से लेकर के इन दिनों में यांत्रिक और तांत्रिक क्रियाएं बहुत अत्यधिक चलती है, लेकिन हल्दी का प्रयोग जब आप पूजा में करते हैं तो फिर आपको इनका प्रभाव या दुष्परिणाम की प्राप्ति नहीं होती और इनका कोई भी असर नहीं होगा।
इसलिए हमारे यहाँ प्रयोग में हल्दी हमेशा की जाती है, क्योंकि हल्दी आपको मांगलिक कार्यों में तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि उस व्यक्ति जहाँ पर हल्दी विराजमान है तो वहाँ पर कोई भी गलत मारण मोहन वशीकरण इत्यादि तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए हल्दी का भी बहुत महत्व है, तो उसे भी आप अवश्य में रखिएगा। सांझ के समय आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश, जो आप लक्ष्मी दिवाली वाले दिन पूजेंगे, उन्हें लेकर आएं। उस दिन पूजन नहीं, आपको दिवाली वाले दिन ही निकालना है, किंतु आपको पूजा के लिए ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जैसे ही प्रदोष काल यानी सांझ का समय आए, आप ये विशेष में अगर चाहते हैं, कहते दिवाली के दिन से ही माँ लक्ष्मी का स्थान घर में तो होता ही है, किंतु गौशाला में गाय में अवश्य होता है। इसीलिए अगर आप अच्छा चाहते हैं अपने जीवन में, तो गौ माता के गोबर से लेपन करके, और अगर नहीं है तो जल से ही लेपन करें, उस पर चौकी बिछाएं, उस पर पीले रंग का या लाल रंग का कपड़ा, और जो पुराने आपके दिवाली पिछली दिवाली पर जो लक्ष्मी गणेश लाए हैं उन्हीं को विराजमान करें और उनका पूजन करें। कुबेर भगवान धन्वंतरी जी का भी फोटो लगाएं, वहां श्री यंत्र और कुबेर यंत्र अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, उनको भी रखें। आप वहां पर पूजा में 13 कौड़ी रखें। कौड़ी लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, कौड़ी के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन कौड़ी खरीदनी चाहिए हमें और पूजा में रखनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास इस समय जो भी उपलब्ध हो वो रखें। पुरानी कौड़ी पड़ी होंगी, उनको ही गंगा जी से साफ करके रख लें। आज के दिन आप कुछ मीठा पदार्थ लगाएं भोजन में, कोई भी प्रसाद में लगा दें, साथ में घी का दीपक जलाएं। अगर आप स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं तो ये पंच दिवसीय महोत्सव में अखंड दीपक का ही प्रयोग करें, यानी 5 दिन तक अखंड दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए, निरंतर जलता रहे तो उस व्यक्ति की 1 वर्ष तक संपदा यथावत बनी रहती है, जब तक अगली धनतेरस नहीं आ जाती, फिर आप जला लीजिए। और अगर भगवान ने सामर्थ्य नहीं दिया है तो जितना समय का आपको सामर्थ्य दिया है उतने समय तक घी का दीपक जला कर रखें। यहाँ आरती हो जाए उसके बाद आप पीले रंग के कपड़े में कौड़ी को रखेंगे, लेकिन दिवाली वाले दिन पूजने के उपरांत फिर उन कौड़ी को बांध करके जहाँ आपके पैसे रखे जाते हैं वहां रखें, तो धन संपदा बढ़ती है। नमक की जगह आप उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी रसोई इत्यादि में। कहते एक मुट्ठी हमको हरा धनिया भी रखना चाहिए, उससे घर में कमी नहीं आती। 7 प्रकार के धान्य माँ लक्ष्मी के समक्ष रखने चाहिए, तो फिर अन्न में कभी कमी नहीं आती। इन दिनों आप इसका प्रयोग करें। एक और बात का ध्यान रखेंगे, कुबेर भगवान का सांझ के समय पूजन करें तो पीले पुष्पों से करें, दिवाली वाले दिन कमलों से पूजा करनी चाहिए तो लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। कहते हैं जो कमल की सैयां लगाते हैं, यानी जब दिवाली हो उस दिन माँ के लिए कुछ सुंदर बिछोने का प्रबंध करें, वहां पर कमल के पुष्प रख दें, तो उस व्यक्ति के घर को कभी माँ लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती। तो धनतेरस की इतनी बड़ी महिमा है, तो अवश्य आप इस धनतेरस पर खूब धूमधाम से मनाएं और इन वस्तुओं को अवश्य लेकर आए। श्री राधे।